भोपाल की भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में लोकसभा क्लस्टर प्रभारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मंत्रीगणों के साथ क्लस्टर प्रभारी उपस्थित हुए। इस बैठक में तय किया गया कि लोकसभा चुनाव में कैसे भाजपा के वोट प्रतिशत को 58 से 68% किया जाए। आगामी लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। पिछली बार 29 में से 28 सीटें मिलने के बाद से बीजेपी की नजर इस बार 29 की 29 सीटों पर है। लगातार संगठन को जीत दिलाने के लिए बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठकों का दौर चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में लोकसभा क्लस्टर प्रभारियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, राष्ट्रीय संगठन मंत्री शिव प्रकाश, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, लोकसभा चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, लोकसभा सह चुनाव प्रभारी सतीश उपाध्याय, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश संगठन महामंत्री नित्यानंद शर्मा सहित क्लस्टर प्रभारी मौजूद रहे। इस बैठक में सभी 29 सीटें जीतने के लिए व्यापक रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में भाजपा के वोट प्रतिशत को विधानसभा चुनाव से 10% बढ़ाए जाने को लेकर खासी चर्चा हुई। भाजपा का टारगेट है अब 68% वोट। पूरे लोकसभा में 2019 में 58% वोट हमें मिला था, इस बार 10% एवरेज वोट बढ़ा करके 68 से 70% ले जाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है। हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश के अंदर आज हमारे मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो काम लगातार हम गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ मैदान में उतरे, तो उन हितग्राहियों के साथ जो हमारी ताकत है संगठन तंत्र के साथ और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 29 की 29 सीटें जीतने का हमारा संकल्प है। और यही रणनीतिक तैयारी आज की बैठकों में भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने की। हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय बीएल संतोष जी आज हमें मार्गदर्शन करने के लिए आज यहाँ पर विशेष तौर पर उपस्थित हैं। दोनों हमारे प्रभारी मनी महेंद्र सिंह जी उत्तर प्रदेश से आज हमारे इस चुनाव के प्रभारी के तौर पर आए हैं, और दिल्ली के हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय सतीश जी, दोनों को आज उन्होंने इस बैठक में अपना कार्यभार संभाला है। दोनों को बहुत शुभकामनाएं और उनके साथ मिलकर के मध्य प्रदेश में हम पुनः फिर इतिहास बनाएं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।